नमस्ते, मैं डॉक्टर आरिफ, सेवा धाम प्लस नेचुरोपैथी आयुर्वेदा स्वास्थ्य केंद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष अपनी चिकित्सक अनुभवी टीमों के साथ डॉक्टर अमन, डॉक्टर गौतम हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारी चिकित्सा के जो अनुभव है आपसे साझा करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है लेकिन अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जैसे अनियमित वजन का बढ़ना या कम होना, पेट के रोग जैसे गैस बनना, पेट में दर्द होना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, महिलाओं में पीरियड का अनियमित होना या शरीर में ऊर्जा की कमी होना। बारीकी से अध्ययन करने पर हम लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों की नाभि जो शरीर का मूला होता है अपने स्थान से हटी हुई है। तो तत्कालीन हमने एक अद्भुत चिकित्सा विधि नाभि चिकित्सा के माध्यम से उन सभी लोगों का परीक्षण किया और उनका इलाज किया, तो तत्कालीन उनको अनुभव महसूस हुआ, स्वास्थ्य का अनुभव महसूस होना शुरू हो गया। तो हमने सोचा कि ये विधि इस वीडियो के माध्यम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके ज्ञान नहीं है, वो अपनी नाभि की परीक्षा के द्वारा स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाभि का अपने जगह से हटना या उसका डिसलोकेशन होना होता कैसे है। सबसे पहला तरीका है कि धरन आपकी नाभि डिस्प्लेस हुई है कि नहीं है। दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, देखेंगे कि ये लकीरें मून शेप बना रही है या नहीं। आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें मून शेप नहीं बन रहा है। हाथ जो ऊपर नीचे है, उंगलियां जो है दोनों छोटी उंगलियां एक दूसरे के बराबरी में नहीं है, तो ये चिन्हित करती है कि आपकी नाभि डिस्प्लेस है। अगर ये दोनों अंगूठे आपस में मिलते हैं, एक ही लाइन में है, तो आपकी धरन की समस्या नहीं है। या अगर आगे पीछे होते हैं, चाहे लेफ्ट पैर हो चाहे राइट हो, तो ये चिन्हित करता है कि आपकी नाभि डिस्प्लेस है। बहुत तेजी से दौड़ना या भारी सामान को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना या शरीर का पोश्चर नहीं होना या अनियमितता खाने में या दिनचर्या को सही से फॉलो ना करना, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं जो नाभि को अपनी जगह से हटाने के लिए सहायक होते हैं। नाभि चिकित्सा सूत्र के माध्यम से आप स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं और आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपनी नाभि की परीक्षा करने का मौका दें और हमें पूरा उम्मीद है कि हम इस विधि से आपको तत्कालीन स्वास्थ्य का महसूस करा सकते हैं। स्वस्थ रहे, ऐसी अद्भुत चिकित्सा जिससे स्वास्थ्य का तत्कालीन अनुभव हो, तो हम लोगों से निवेदन करेंगे कि आप आए और अपनी नाभि की परीक्षा हमारे अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से कराएं और स्वास्थ्य का लाभ लें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।